चीन ने कहा है कि क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी क्वाड को सिरे से खारिज करने पर चीन लग गया है। ये उसकी बौखलाहट दिखाता है। उसे पता है कि आज इसी व्हाइट हाउस में यहाँ पर कुछ ही देर बाद बायलैटरल मीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं दो महाबलियों की मुलाकात। इसी के साथ उसे पता है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर दोनों ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो चार ये जो मुल्क है ताकतवर और उनका समूह यहाँ बैठक करने वाला है। तभी चीन ने ये स्टेटमेंट जारी करके आलोचना की है क्वाड की और कहा है कि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जल्दी से कमेंट उनके जो जो बाइडेन वाले कमेंट पर क्या, क्या? वो कह रहे हैं कि प्रो तालिबान है बाइडेन सरकार, वो कह रहे हैं कि एंड प्रो पाकिस्तान है बाइडेन सरकार। जी नहीं, ये जो ऐसा तो नहीं कह सकते, बट जो इनके प्रेसिडेंट ट्रंप थे और जो बाइडेन में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों नहीं चाहते थे कि वहां पे अमेरिकी फौज देर तक रहे, वो वापस लेके आ गए हैं। बट एक और चीज दोनों में कॉमन ये है कि दोनों चाहते हैं, भारत भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान शुड नेवर बी अ लैंड जहां से कि आतंकवादी घटनाएं दूसरे कंट्रीज के ऊपर में भारत के ऊपर अमेरिका के ऊपर अटैक किया जाए। उसके ऊपर भारत और अमेरिका के एक कॉमन इंटरेस्ट है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इन सब का मसला डिप्लोमेसी से दूर। बाइडेन अगर पहले इस तरह के थे भी तो अब वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब आप देश की पॉलिसी के अनुसार चलते हैं, फिर आपका खुद क्या व्यक्तित्व। ट्रंप नहीं कह सकते कि आज उससे लड़ाई कर लो, आज ये नहीं कह सकते आके कि नहीं अब क्वाड को निरस्त कर दो। क्वाड को ट्रंप ने शुरू किया था, बाइडेन ही आगे ले जा रहे हैं। फर्स्ट इन पर्सन मीट है जी, ये इनफैक्ट ओबामा के टाइम से स्टार्ट हुआ, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से स्टार्ट हुआ था, जब ने इंडो पैसिफिक पिवट स्टार्ट किया था। ट्रंप उसको एक स्टेप आगे लेके गए और बाइडेन उसको एक नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, समिट पे लेके जा रहे हैं। बायपार्टिसन देश के किसी भी मुल्क की विदेश नीति होती है और इसीलिए शायद ये महत्वपूर्ण है।